अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ायका फ़ूड में आज हम आपके साथ बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे जिसका नाम है अनियन बॉल्स। ये पाकिस्तान में आपके साथ पहली दफ़ा शेयर की जा रही है। ज़्यादातर ये रेसिपी जो है चाइना और इस तरह के ममालिक में बनाई जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना इस ईज़ी रेसिपी को रमज़ान स्पेशल में आपके साथ शेयर किया जाए। अनियन बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपने मीडियम साइज़ के जो है वो अनियन ले लेने हैं और उनको इस तरह नाइफ़ का जो टेल है उसकी मदद से आपने इसको इस तरह अलग अलग करना शुरू कर देना। आप इसको आराम से अलहदा कीजिएगा क्योंकि अगर ये टूट जाए या ये सही से ना उतरे तो फिर फिलिंग के दौरान फिर इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश आती है। सो आप वन बाय वन जो है वो इस तरह इसको इसके जो कवरिंग है अनियन की वो इस तरह खोल लेंगे और फिर मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी। वैसे तो आप इसको एज अ होल भी अगर आप इसका उतार सकते हैं ईजिली तो आप इसको इसके कवर को तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी उतार सकते क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त अनियन अवेलेबल हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल इन द साइज़, तो उनको फिर इस तरह होल में उतारना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैंने अब एक जो पैन है उसके अंदर तकरीबन 3 बॉयल्ड जो हैं वो पोटैटोस और चिकन के कुछ मेरे पास जो है वो रेशे पड़े हुए थे मैंने वो ऐड किए हैं। साथ में ही थोड़ा सा आप इसके अंदर प्याज ऐड करें, प्याज ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप ऐड कर लें, ना करे तो कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। पोटैटो जो है वो बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर काली मिर्चें और नमक जो है वो ऐड किया था और साथ में ज़ीरा भी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो रेड चिल्ली और हस्पे जायका जो है वो नमक ऐड किया है। अब मैं इसको इसे इस तरह अच्छे से जो है वो बैटर बनाने के बाद मैं इसकी फिलिंग्स कर लूँगी अनियन के अंदर। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमारे चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं और पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब आप देख सकते हैं कि अनियन के जो मैंने वो कवरिंग उतारी थी, अब मैंने उसके अंदर इसको इस तरह फिल किया है। अनियन की जो कवरिंग है उसकी मैंने फिलिंग की है चिकन और पोटैटो के आमेजे के साथ। आपके कमेंट्स जायका फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अपने फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आप जब ये रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो उनका फीडबैक कैसा आता है। और अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैंने इनकी बाउल्स बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक कप जो है वो तकरीबन एक से आधा कप जो है वो मैदा या फिर बेसन लेना है, उसके अंदर नमक और एक टीस्पून जो है वो रेड चिली ऐड करनी है। साथ में ही हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा ऐड कर देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसका मिक्सचर बना लेना है। जायका फ़ूड हमेशा आपको सजेस्ट करता है कि खाना बनाते हुए अपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम रखें और आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ का मिक्सचर बनाएंगे तो हमेशा आपने पानी को आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एकदम से नहीं डाल देना ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना, ये देखें, इसको इस तरह दिखाने का मकसद ये भी आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो आमेज़ा है वो कितना जो है उसका टेक्सचर कितना आपने किस तरह का थिन या थिक रखना है। अब अनियन बॉल्स को जो है वो इस आमेज़े में डिप करने के बाद मैं कढ़ाई जिसके अंदर के गर्म घी है उसके अंदर मैं वन बाय वन ऐड कर दूँगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप फ्राई किया करें, फ्राई दो तीन किस्म के होते हैं, हाफ फ्राई है, डीप फ्राई है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डीप फ्राई होती हैं, तो मैंने इसका ऑयल जो है वो गर्म करने के बाद इसको डीप फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा पक जाने के बाद इस तरह अच्छे से निकाल के दोबारा मैं इसकी कोटिंग करूँगी क्योंकि एक कोट काफ़ी नहीं होता है, तो मैंने इसकी डबल कोटिंग की। इसके अंदर आपने किसी ब्रेड क्रम का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट आपने बेसन या मैदे के आमेजे में से इसको इस तरह डिप करके और फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स जायका फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अपने फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आप जब ये रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो उनका फीडबैक कैसा आता है और वो किस तरह की आपको लगती हैं, आपके घर में किस तरह पसंद की जाती हैं और मज़ीद जायका फूड आपके लिए किस तरह की रेसिपीज़ को लेकर आए, क्योंकि ये जो आपका फीडबैक होता है ये ना सिर्फ आपकी एफिलेशन को, आपकी मोहब्बत को, आपके खाने के पैशन को शो करता है बल्कि हमारी भी इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें करेज करता है कि हम आपके लिए नित नए जो है वो नए से नए खाने लेकर आएँ ताकि आप अपने घर में जो है उसको ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है
कि हमारी YouTube की जितनी भी फैमिली है और हमें देखने वाले जितने भी लोग हैं वो इन चीज़ों से जो है इस को ट्राई करें और हमें फिर बताएं कि उनका कैसा फीडबैक रहा। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से अनियन बॉल्स तैयार हैं, ये खाने में बहुत लजीज हैं। आप इसको इफ्तार पे बना सकते हैं, लंच पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और किसी सॉस या टमाटो केचप के साथ जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जायका फूड्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।